और आखिर में आकर के ये कहने लगा कि हम तो गोली चला सकते हैं, मेरे पास पिस्टल है, सरकार ने हमको पिस्टल दिया है, हम तो दसियों को मार देंगे गोली। थोड़ा प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा सा लिहाज में बात करें। ये लोग बिल्कुल फेल्योर हो चुके हैं, निकम्मा है ये लोग। मैं फिर से इन लोग कहता हूँ, उनको फौरन सस्पेंड होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है कि वो सस्पेंड हो। साथ ही साथ नहीं, गलत है, एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई ऐसा थाना अध्यक्ष करता है तो ये सरासर गलत है। और सर, यहाँ के स्थानीय सांसद हो या कोई विधायक हो, उस मामला को लिखित रूप में जहाँ तक भी दिया गया है, जहाँ तक उसमें एक्शन नहीं हो पाई तो हम लोग करें क्या? वो तो नेसेसरी है, वहाँ तो हमको रहना है, तो हम वहाँ पे रोड में खड़े हुए तो प्रशासन उसको लिहाज में बात करनी चाहिए। ये दारोगा कम लग रहा था, गुंडा ज़्यादा लग रहा था, किसी भी एंगल से वो उसको मामला को समझना चाहिए था और दोनों तरफ से संभालना चाहिए था मामला को। हम लोग एसपी साहब से मांग करते हैं उसको सस्पेंड किया जाए, अगर नहीं करते हैं इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। किशनगंज के 4 विधायक और एमपी यहां के सरकार में है, स्टेट गवर्नमेंट के, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जावेद आजाद साहब गठबंधन की सरकार में, बिहार सरकार में है, यहाँ के 4 MLA सरकार में है और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बहुत फेंकते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या ये लोग वीडियो नहीं देखे? क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? क्या मुफ्ती आथर साहब क्या उनको खबर नहीं किए? उनको आना चाहिए था। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही धीरे से काम लिया। दारोगा जी का जो तेवर था वो बिल्कुल जारहाना तेवर था और वो ऐसा लग रहा था कि वही ठेकेदार है, लगता कोई गुंडा है, कोई मवाली है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेजा, आप देख रहे हैं KDP लाइव। अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद कार्यालय में, जहाँ पर तमाम तर जिला परिषद चेयरमैन मोहतरमा नुरदत महजबी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अमोर विधायक जनाब अख्तुल ईमान साहब, किशनगंज के पुलिस अधीक्षक इनामुल हक मेघनू साहब के कार्यालय में गए थे। अब पौखली में जिला परिषद प्रतिनिधि मुफ्ती अथर जावेद, साथ ही साथ वह हमारे मुस्लिम समाज के धर्म गुरु में भी जाने जाते हैं, चूँकि वो मुफ्ती के अहदे पर है, उनके साथ जो चीज़ भी हुआ, क्या सही था क्या गलत था, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे, ये जाँच का विषय है। बहरहाल फैजान साहब है जो कि जिला परिषद है, बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी एक मुकाम बनाई है। हम जानना चाहेंगे, डायरेक्ट इनसे बात करना चाहेंगे कि मुफ्ती अथर जावेद साहब के साथ जो चीज़ हुआ उसको लेकर आप SP कार्यालय में गए, SP साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। SP साहब की तरफ से ये आश्वासन मिला कि जैसा भी जो वीडियो का जो देखे हैं हम, वो जांच का विषय है और देखते हैं उनको, अगर उनको वहाँ से हटाने का कोई ये होगा तो हम लोग देखेंगे, उस पर जांच का विषय है वो। क्या लगता है जो सारी चीज़ें हुई सही था? नहीं, गलत है, एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई ऐसा थाना अध्यक्ष करता है तो ये सरासर गलत है और एक तरह का हम लोगों की बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बेइज्जती है ये। इसलिए हम लोग सभी जिला परिषद मिलकर के गए थे और हमारे चेयरमैन मोहतरमा जो थे वो भी थे, अख्तुल ईमान साहब जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी गए थे। और ये जिला परिषद हैं किशनगंज में कुल 18 जिला परिषद हैं और सारे के सारे जिला परिषद इस मामले को लेकर एकजुट हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि जो भी ऐसा हरकत हुआ है इस पर कार्रवाई हो। अगर तादाद बहुत कम है जिला परिषद? नहीं, बहुत लोग इसलिए नहीं आ पाए, आज किसी का अलग अलग काम होगा इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन ज़्यादातर जिला परिषद यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं चेयरमैन मोहतरमा है, हमारे वाइस चेयरमैन है, जो मेन लोग हैं वो लोग हैं मौजूद, इसलिए अब इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने जिला परिषद हैं सभी लोगों का अगर आप देखेंगे उसमें हस्ताक्षर वगैरह है, सब कुछ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो। इस तरह प्रशासन द्वारा जो चीज़ें आपने देखा, हमने देखा, सरेआम देखा, ऑन कैमरा कैमरा चालू था और ये बातें मुफ्ती अथर जावेद साहब को ही पता था और जो प्रशासन के लोग थे उन्हें ही पता था, लेकिन कैमरा देखकर भी नहीं हिचके और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रशासन की तरफ से उठा के जेल में डाल दूंगा, गोली मार दूंगा, सारी तरह चीज़ें, क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार जो अपने आप को कहती है कि मैं जनता अफसरशाही के लिए जाना जाता है, तो नीतीश कुमार कि जो सरकार अफसरशाही के लिए जाना जाता है, आप मानते हैं इस बात को? टोटली अफसरशाही है, तब तो ऐसा हुआ जनप्रतिनिधि के साथ, और वहाँ पर जो वीडियो में देखा जाता है टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी अगर देखेगा तो सोचेगा कि ये ठेकेदार है, जिस तरीके से उनकी बातें सुनी जा रही है तो ऐसा लग ही रहा है, तो ये टोटली अफसरशाही है। हम चलेंगे अब जिला परिषद कैशर राही साहब है हमारे बीच, हम उनसे भी चाहेंगे कि इस मामले को लेकर बात करें। देखिए, जो घटना जो देखा गया फेसबुक में तो काफ़ी दुखद और निंदनीय और शर्मनाक घटना है एक जनप्रतिनिधियों के लिए। मैं एक शेर के अंदाज से मैं कहना चाहता हूँ कि दौरे गुलामी ख़त्म हुआ, ऐसा से गुलामी बाकी है, और किशनगंज के हर शाख में, शीर्ष शाख में सियासी उल्लू बैठा है, इस किशनगंज का क्या होगा। इतना बड़ा एक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो ASI है या पुलिस है,
ऐसा लगा कोई गुंडा है, गुंडा मवाली है। अफसरशाही, बढ़ती हुई अफसरशाही का कारण किसे मानते हैं? जनप्रतिनिधि को मानते हैं, MLA MP को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। सरकार को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। सरकार किसकी है? सरकार नीतीश कुमार की, गठबंधन की सरकार है, उनको मानते हैं। कुमार का हाल ही के कुछ दिनों में एक DSP के घर चाय पीते हुए उनका फोटो वायरल हुआ था, जब मुख्यमंत्री खुद DSP के घर चाय पीने जाएंगे, जबकि प्रोटोकॉल में भी ये चीज़ें नहीं आता है, तो अफसरशाही होना लाजमी बात है। देखिए वो बात है, अगर चाय पीने गए तो मैं तो देखिए, वो तो कुछ ऐसे व्यक्तिगत भी रिश्ते होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे घर में जो नौकर है बेचारे, अगर उनके घर अगर हम चाय पीते हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है कि चाय पीना, हो सकता है उसका कोई रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह के हालात से आज जनप्रतिनिधि गुजर रहे हैं तो ये तो शर्मनाक बात है। और ख़ास कर किशनगंज के चार विधायक और MP यहां के सरकार में है, स्टेट गवर्नमेंट के, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जावेद आजाद साहब गठबंधन की सरकार में, बिहार सरकार में है, यहाँ के चार MLA सरकार में है, और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बहुत फेंकते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या ये लोग वीडियो नहीं देखे? क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? क्या मुफ्ती आथर साहब क्या उनको खबर नहीं किए? उनको आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी अफसोस की बात है, ये लोग बिल्कुल फेल्योर हो चुके हैं, निकम्मा हैं ये लोग। मैं फिर से इन लोगों को कहता हूँ, आप इसको चलाइए कि ऐसे विधायक और ऐसे सांसद जो एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का मामला आए दिन हो रहा है, मान सम्मान के, क्यों आखिर इलेक्शन क्यों लड़ रहा है लोग? मान सम्मान के लिए ना, जब मान सम्मान ही नहीं मिलेंगे, मान सम्मान ही नहीं होगा, तो फिर क्यों लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनेंगे? जब ये एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का मामला आएगा तो आमजनों के साथ क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट के लिए हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। दरअसल हम आपको बीच में रोक करके ये बताना चाहते हैं कि ये तमाम तर बातें जिनके खिलाफ हो रही है, जिस पुलिस अफसर पर जिला पार्षद मुफ्ती अतर जावेद के साथ अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है, उस पुलिस प्रशासन के साथ भी हमारी टीम ने 2:51 पर बात की, जब कुल 3:14 की बातचीत में उनके तरफ से कहा गया है कि हमें ऊपर से आदेश मिले थे कि कुछ लोगों द्वारा सरकारी काम में दखल दे रहे हैं, इसलिए हम वहां गए और हमने कहा कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप लोग प्रोसेस से आएं, लिखित में ऑर्डर लाएं, इस तरह से सरकारी काम में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वे लोग जहां बाईपास की मांग कर रहे थे, उस मांग को संबंधित विभाग द्वारा ठुकरा दिया गया था, जहां हम तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, जहां उस पुलिसकर्मी का ये कहना था। आगे पुलिसकर्मी द्वारा KDB लाइव को फ़ोन पर बात में बताया गया है कि मगर सामने वाला हमारी बात सुनने के मूड में नहीं थे, पता नहीं उनका मनसा क्या था, हमने कानून के दायरे में रह करके बस अपना ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक अंजाम दिया। ये तमाम बातें KDB लाइव से बात करते हुए आरोपी पुलिस अफसर ने अपने सफाई में अपना पक्ष रखा है। आगे आप पूरी वीडियो को देखिए। हम सीधा चलेंगे इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जो कि जिला परिषद हैं और तमाम तर चीज़ों को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, पूरे घटनाक्रम को लेकर संक्षेप में आपकी राय जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहली बात, एक प्रशासन का मुंह से इस तरह का अंदाज और बोली, जो गोली बारूद अलग अंदाज में बात कर रहे थे, ये माननीय मुख्यमंत्री का राज में जो 15 साल के कार्यकाल में ये सब होते आ रहा है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन किशनगंज में आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिनिधियों के साथ पहली बार इस तरह का बदतमीजी है। हम लोग ने SP साहब को मिले, हम लोग आवेदन दिए लिखित में, माननीय MIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब भी हम लोग के साथ थे, वो भी अपने स्तर से अपनी बातों को रखे और जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। लेकिन जो अंडर पास की जो बात हो रही है, सर मेरा सवाल है कि हमारे माननीय जिला परिषद प्रतिनिधि जो मुद्दे में बात कर रहे हैं, वो अंडर पास वहाँ पर नेसेसरी है? इसलिए नेसेसरी है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, SSB कैंप है, अंडर पास एक ही है, वहाँ पे 2 की ज़रूरत है। मेरा डिमांड वही है सर, यहाँ के स्थानीय सांसद हो या कोई विधायक हो, उस मामला को लिखित रूप में जहाँ तक भी दिया गया है, जहाँ तक उसमें एक्शन नहीं हो पाई तो हम लोग करें क्या? वो तो नेसेसरी है, वहाँ तो हमको रहना है, तो हम वहाँ पे रोड में खड़े हुए तो प्रशासन उसको लिहाज में बात करनी चाहिए। शरीफ आदमी है, मौलाना टाइप के आदमी है, तो मामला वहाँ पर साइलेंट ही रहा। दूसरे टाइप के आदमी रहते तो हो सकता कि मामला तो जबरदस्त दूसरे अंदाज में हो सकती थी। थोड़ा प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा सा लिहाज में बात करें। क्या मांग करना चाहेंगे SP तक गए? सर, हमारा मांग है कि जो अंडर पास की बात काम है वो वहाँ पे नेसेसरी है, वो वहाँ पे बनने की ज़रूरत है और बनना ही चाहिए। नहीं तो हमने हमारे चेयरमैन महोदय साहब को मैंने कहा है
कि इसके लिए अगर अंडर पास के लिए नहीं होगा तो हम लोग पटना स्तर तक जाकर बैठ करके हम लोग वहाँ पे धरना में करेंगे या अनशन में बैठेंगे, एक दिवसीय दो दिवसीय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधा चलना चाहेंगे मुफ्ती अतहर जावेद साहब के पास, जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तमाम तर जिला परिषद कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और मुफ्ती अतहर जावेद साहब के पास हम आ चुके हैं। इनके साथ तमाम तर जो चीज़ें हुई उसे आपने सोशल मीडिया में देखा, चर्चा का विषय भी बनता जा रहा है। आज अख्तुल ईमान अमोर आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अमोर के विधायक अख्तुल ईमान और जिला चेयरमैन मोहतरमा नुदरत महजिबी की अगुवाई में तमाम तर जो जिला परिषद हैं मुफ्ती अतहर जावेद के साहब के साथ एसपी कार्य मुख्यालय गए, उन्हें ज्ञापन दिया, शिकायत की गई। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। देखिए उस दिन वो हुआ जो नहीं होना था, और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो थाना इंचार्ज विकास कुमार के माध्यम से हुआ है, और ये बहुत ही ख़तरनाक अजायम के साथ उनका हमला था, और मैंने बहुत सब्र सब से काम लिया था। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत ही धीरज से काम लिया, और बहुत ज़रूरी था कि हम लोगों को वहाँ पर उतरना ज़रूरी था। अगर काम में कोई गड़बड़ी हो रही थी तो इसका आप लिखित सूचना दे सकते थे, लेकिन वहाँ आरोप आप पर भी है कि आप काम रोकने के लिए गए थे, तो क्या सरकारी काम रोकने का जो है उस सरकारी काम में बाधा आप डाल सकते हैं क्या? देखिए सरकारी, ये लोग बोल रहे हैं ना, सरकारी काम में बाधित क्या, इस रोड के लिए हमने माननीय सांसद किशनगंज डॉक्टर जावेद साहब, माननीय सांसद प्रदीप सिंह अररिया, दोनों के माध्यम से मैंने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी भिजवाया है, और वो दोनों चिट्ठी का रिप्लाई आया है, और दोनों चिट्ठी का जवाब आया है कि हम प्रोसेस में इसको डाल दिए हैं। नितिन गडकरी जी ने लिख चुका है लेटर, अब वो संज्ञान में है। जाहिर सी बात है पूरा हिंदुस्तान देखना पड़ रहा है, वो उसके लिए किशनगंज तो एक चोटी के बराबर में, पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं वो। हम यही तो बात हम इनसे कह रहे थे कि भाई जब ये संज्ञान में लिया है, प्रोसीडिंग में है, तो आप इसको अभी रोक दीजिए, आगे आगे पीछे काम कीजिए। लेकिन दारोगा जी का जो तेवर था वो बिल्कुल जारहाना तेवर था, और वो ऐसा लग रहा था कि वही ठेकेदार है, लगता कोई गुंडा है, कोई मवाली है, और जिसकी वजह से मैं तो बहुत सब जब से काम लिया था। जैसे हमारे लोग थे वो इशारा चाह रहे थे कि भाई आप बोले, जिस तरह से वो बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन मैंने खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त किया। क्या मांग करते हैं? हम डिमांड यही करते हैं, हमारे साथ आज हमारे जिला परिषद चेयरमैन साहिबा नुजरत महजबी उनके अगुवाई में गए, और हमारे साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष MIM के अख्तुल ईमान साहब भी थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी आए, चेयरमैन साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जितने भी जिला पार्षद हैं, फैज़ान साहब हैं, इंजीनियर नासिक नदीर साहब हैं, हमारे अशरफुल भाई हैं, और इसी तरीके पर कैसर राही साहब हैं, मास्टर सेली साहब, ये सब इस बात के लिए हम लोग चेयर इसके SP साहब के पास गए थे कि भाई दो हमारा डिमांड है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने बंदूक की बात कही है, गोली चलाने की बात कही है, उनको फौरन सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है कि वो सस्पेंड हो। साथ ही साथ वहाँ पर जो ठेकेदार के जरिए से काम कराया जाता है उस काम को तत्काल रोका जाए, जब तक कि नितिन गडकरी जी का दूसरा कोई फैसला ना आ जाए। और अंडरपास बनना नहायत ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल उसके हाफ किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, बनने जा रहा है क्या, बन गया है, और उसी के 2 किलोमीटर की दूरी पर SSBK में नेपाल का बॉर्डर भी है, और वहाँ पर उस रेलवे ब्रिज से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर के जहाँ हम डिमांड रखे हैं अंडरपास का, तकरीबन 30,000 से 40,000 की आबादी के लोग बसे हुए हैं, कैसे लोग जाएंगे, कैसे वो। और 2 प्रखंड का बिल्कुल मुख्यालय है, ठाकुरगंज प्रखंड, दिगलबर्ग प्रखंड, दोनों का मुख्यालय है वो जगह। जिस वर्दीधारी से आपकी बातें हो रही थी वो उस थाना कौन सा था? वो थाना पवाखाली था। वो किस पद पे? वो थाना इंचार्ज के पद पे थे, SI थे, वो थाना इंचार्ज था उस वक्त। शुरुआत कैसे हुई बहस जो बड़ा? भाई शुरुआत ये हुई जब ग्रामीण ने उनको रोका GR वाले को, फिर हमको भी बुलाया, तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाई देखो जहाँ अंडरपास बनना है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा काम कीजिए, बात वहीं तक थी, और वो लोग मान भी गए थे। लेकिन जब इनको खबर हुई थाना अध्यक्ष को, वो कैसे उन लोगों ने फ़ोन के ज़रिए से या जाकर के रिटर्न जो भी रहा होगा, बहरहाल उनके बाद इनका तेवर फौरन आए, और हवा में लाठी लहराते हुए लोगों को गाली गलौज करने लगे,
और कहा कि भाई कौन है, कौन रुकने वाला है, देखते हैं। डंडा चला रहे थे, डंडा हिला रहे थे। जब हमको खबर हुई, हम आए, हम आने के बाद देखे कि भाई डंडा हिला रहे हैं, हम उसको मुँह तोड़ जवाब देने लगे कि आप कौन होते हैं, आपको अगर कंप्लेन किया तो आप लिखित रूप में तो कंप्लेन दिया नहीं है, अगर दिया तो दोनों को बुलाना चाहिए था। जिम्मेदारी उनकी ये बनती थी कि मुझे भी बुलाते, ग्रामीण को बुलाते, वो ठेकेदार को बुलाते, पूछते आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या परेशानी है। आके फौरन डंडा लहरा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और आखिर में आकर के ये कहने लगा कि हम तो गोली चला सकते हैं, मेरे पास पिस्टल है, सरकार ने हमको पिस्टल दिया है, हम तो दसियों को मार देंगे गोली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अथर जावेद साहब के तरफ से। बड़ा संगीन आरोप लगाया जा रहा है किशनगंज पुआखली के प्रशासन के ऊपर। तमाम तर चीज़ें वीडियो के रूप में साबित भी करने की ज़रूरत पड़ी तो वह कर सकते हैं। तमाम तर चैनलों ने इसे चलाया भी है जिसे आप देख सकते हैं। जिला चेयरमैन उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे भी मुखातिब होंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि इन तमाम तर चीज़ों को लेकर वो अपनी राय क्या रखते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम तर चीज़ों? हम कहना चाहेंगे यही, जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे मुफ्ती अथर साहब हो या हम हो या कोई भी जिला परिषद या पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि हो, इस तरह का जो बदतमीजी हुई सरासर गलत हुआ, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग इस मामले को लेकर मुफ्ती अथर जावेद के साथ खड़े हैं, चट्टा निकटा के साथ? हाँ, सब कोई खड़े हैं। एसपी कार्यालय तक आप लोग गए, अपनी मांगों का रखा, लेकिन अगर आपकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आप लोग खामोश हो जाएंगे या फिर कोई रणनीति, कोई प्लानिंग है? हम लोग एसपी साहब से मांग करते हैं उसको सस्पेंड किया जाए, अगर नहीं करते हैं इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। साहब, मैंने एक चीज़ देखा है किशनगंज में कि इससे पहले भी बहुत सारे पदाधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका एक बाल तक बाका नहीं हुआ और फिर आप जैसे लोग जो मांग करते हैं कि ये करूँगा करूँगा, कुछ नहीं करते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं धीरे धीरे। मानगी पहले एक दो बार हुआ होगा, अलग बात है, लेकिन इस बार जो भी हुआ ज़रूरत से ज़्यादा है और बार बार छोड़ा नहीं जाएगा, इस बार करना ही पड़ेगा उसको, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। क्या लगता है, एक प्रशासन का इस तरह से ऑन कैमरा ऐसे शब्दों का उच्चारण करना, गोली मार देंगे, तमाम तर चीज़ें हैं, मैं ऑन द कैमरा बोलना भी इसे सही नहीं समझता हूँ, कमी किसकी है, हमारे यहाँ के आप जैसे प्रतिनिधियों की या फिर सरकार की? हमारे यहाँ का प्रतिनिधि का भी तो है ही और हमारे इलाका का भी है, जो हम लोग सीधा साधा हैं, हम लोग की सबको इज्जत देना चाहते हैं लेकिन वो लोग बदतमीजी में आ जाते हैं। हम इज्जत तो देना चाहते हैं लेकिन इज्जत किसी को हजम नहीं होती है। किशनगंज के जिला चेयरमैन नुदत महजबी साहिबा के पास है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, संक्षेप में आप बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी कुछ दिन पहले लोहागरा हाट गई थी, लेकिन वहाँ जो मांग है अंडर पासिंग का, वो सही मांग है, इसलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब आबादी है, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा हाट की वजह से, तो वहाँ सही मांग है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो कुछ दिन पहले जो एक वीडियो देखी मैं, तो उसमें जनप्रतिनिधियों से बहुत मतलब गलत ढंग से बात कर रहे थे दारोगा साहब, तो ये नहीं होना चाहिए हमको। वो ये दारोगा कम लग रहा था, गुंडा ज़्यादा लग रहा था किसी भी एंगल से, वो उसको मामला को समझना चाहिए था और दोनों तरफ से संभालना चाहिए था मामला को, जो कैसे मतलब इसको ये किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए उसको देखते हुए हम लोग दोनों चीज़ एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने आश्वासन दिए जो उचित कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि समाज सेवी अंजार आलम साहब से भी हम दो चार बात कर लें, चूँकि सामाजिक चीज़ों में ये भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ख़ास करके जो चीज़ें हुआ है इसी को लेकर हम आज बात करना चाहेंगे। सिर्फ मुफ्ती अथर जावेद साहब के साथ जो चीज़ हुआ, तमाम तौर लोगों ने अपनी अपनी एक राय रखी और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें आप अपना भी राय दें। देखिए, मुफ्ती अथर जावेद साहब एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ गए थे, लोगों ने उनको बुलाया वहाँ गए, लेकिन उनके साथ जो हुआ, हम लोगों ने जो देखा वीडियो में, तो बहुत ही बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक थाना प्रभारी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लोगों की सेवा के लिए उसको रखा गया, ऐसा नहीं कि उसको किसी को डराने या धमकाने के लिए रखा। उसके बातों से पता चल रहा है कि वो लोगों को डराने और धमकाने के लिए वहाँ आए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको दोनों पक्ष की बात सुन करके, ठीक है काम बंद नहीं होना चाहिए, ये कानूनी तौर से ये गलत है कि किसी का काम, कोई सरकारी काम होता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए,
ये एकदम हम मानते हैं, लोगों को, लोग भी मानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब पब्लिक आम आवाम सड़क पे उतरती है तो जनप्रतिनिधि को तो जाना पड़ेगा, लेकिन जब वहाँ मुफ्ती अतहर जावेद साहब गए तो उनके साथ अभद्रता हुई, उनके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लोग देख ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बाकी रहा कि कोई जायज़ मांग था, कोई नाजायज़ मांग तो था नहीं, कि वो तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो पब्लिक के लिए मांग रहे थे कि नहीं भाई वहाँ अगर अंडरपास हो जाता है तो एक तरफ रेलवे स्टेशन है, दूसरे तरफ एसएसबी कैंप है, मार्केट है, अगर वहाँ मान ली सड़क बन जाती है तो, और सड़क वो भी फ्लाईओवर उतरती है तो वो ऊंची सड़क बनेगी वहाँ, तो उस साइड और इस साइड का कनेक्शन टूट जाएगा, तो मार्केट माने कोई अगर मार्केट जाता है उस साइड में अगर आलू मिलता है, इस साइड में अगर किराने की दुकान है तो उसको 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, तो उसके लिए अंडरपास, अंडरपास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सरकार चाहे तो दे ही सकती है। और जहाँ तक मुफ्ती साहब ने आपको बताया है कि लोग लिखे हुए हैं इसको एमपी साहब को, एमपी साहब गडकरी जी को लिखे थे जो मंत्री हैं विभागीय, तो वहाँ से जो उनकी चिट्ठी आई है, जवाब आया है, तो उसमें ये लिखा गया है कि ये मेरे संज्ञान में लिया गया है, इसकी आगे कार्रवाई होगी, तो अभी कार्रवाई होने में तो समय लगेगा, कितना समय लगेगा नहीं लगेगा ये तो सरकारी काम है। कोई पहली दफ़ा नहीं है, बार बार जो किशनगंज प्रशासन है मैंने इस चीज़ें जो देखी जा रही है, लगातार ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि हमारे चैनल में ही कवरेज है, हम प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं, लगातार हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो जिला परिषद हो, विधायक हो या फिर दिगर भाई कोई मुखिया हो, वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं और शुरुआत में कहते हैं अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, लेकिन अब तक किसी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और फिर तमाम तर लोग खामोश भी हो जाते हैं बड़े आसानी के साथ। देखिए इसमें पिछले मैंने कुछ दिनों में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो खैर जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मामला आया हम लोगों के संज्ञान में या हम लोग जाने पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखे कि बहुत जगह ऐसी बातें हुई है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये है कि अब मान लें पिछले दफ़ा कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो अब भी नहीं हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है पिछले दिनों क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग भूल गए, लेकिन अब बार बार ऐसा होगा तो ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों को एसपी साहब से बहुत उम्मीद है, एसपी साहब हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं लोग, इन लोगों से बहुत उम्मीद है हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को, और इन लोगों के बारे में अच्छे ख्याल रखते हैं लोग, पब्लिक आवाम के अंदर भी बहुत अच्छा इन लोगों का इंप्रेशन है, बहुत अच्छा नाम है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो में, जो बातें भी जिनके तरफ से कही गई है अपनी बातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, केडीवी लाइव किसी के बातों का समर्थन नहीं करती है, हम अपने कर्तव्य का निष्ठावान करते हुए सिर्फ लोगों के बातों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो जिस पदाधिकारी के बारे में बोला जा रहा है हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमारा अपना वक्त देते हैं तो हम उनके ही बयान को इसमें ऐड करके चलाने का काम करेंगे, अगर बयान नहीं देते हैं तो फिर हम डायरेक्टली चला देंगे। आज के इस मीटिंग में अक्सर सुलेमान के साथ साथ नुदरत महजेबी जी, जिला परिषद इंजीनियर नासिक नादिर साहब, जिला परिषद फैजान साहब, जिला परिषद कैसर राही साहब, जिला परिषद सह उप चेयरमैन अशरफुल भाई के साथ साथ तमाम तर लोगों ने एसपी मुख्यालय में ज्ञापन दिया और इन लोगों ने अपनी बातों को रखा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।